संतोष, ये प्रक्रिया जरा बताइए कि वारंट डी लेकर तो टीम यूपी पुलिस पहुंची है वहां पर, ले जाया भी जाना है, ये आज ही होगा या उसमें किसी और दिन की तारीख होती है और उस हिसाब से अब उसको आगे ले जाया जाना? आज केवल एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी के तौर पर टीम पहुंचकर केवल जानकारी दे रही हो साबरमती जेल प्रशासन को? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस वारंट भी लेकर के पहुंची है। प्रक्रिया के अनुसार तो वारंट भी में तारीख होती है कि ये कब इसको, इस मामले की पेशी है और उसमें कब अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वारंट भी बिना तारीख के गया है, यानी कि सिर्फ नोटिस सर्व किया गया है कि अतीक अहमद को और साबरमती जेल प्रशासन को ये बताने के लिए नोटिस दिया गया कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद अब आरोपी है, फिर बता दें कि अतीक अहमद को आरोपी अब पुलिस ने बना दिया है। पहले जो एफआईआर हुई थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद, तो उसमें परिवार वालों की तरफ से आरोपी बनाए गए, एफआईआर दर्ज हुई। अब पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सबूत मिले उसके बाद पुलिस ने माना है कि अतीक अहमद जेल से न छोड़ा जाए। अगर हालांकि 100 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन जेल में न छोड़ा जाए, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसीलिए ये साबरमती जेल में ये वारंट भी दाखिल किया गया, ये बताने के लिए कि अब अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोपी है, ये वारंट भी उसमें दाखिल किया गया है। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य तौर पर दो आरोपी हैं, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। दोनों को यूपी की प्रयागराज लाया जाएगा, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अतीक और अशरफ दोनों पहले की तरह प्रयागराज लाए जाएंगे, हालांकि कब और कैसे इस बात पर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। लेकिन संतोष लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, इस बीच ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस बार भी पहले की तरह हो सकता है, लेकिन एंटिसिपेशन में अतीक अहमद और उसके वकील क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या कानूनी उपाय? देखिए, इसमें कानूनी उपाय इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और ये बस एक इनके पास, अगर कोर्ट मानती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद साबरमती जेल भेजा गया था अतीक अहमद को, तो इसमें जो पेशी है वो पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से को लेकर के ये लोग कहीं अपील कर सकते हैं। लेकिन उस अपील को लेकर के इनको हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, एक सक्षम न्यायालय में जाना होगा, तभी ये होगा कि इनको बार बार ना लाया जाए और कोर्ट में पेश करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल हो। लेकिन अभी वारंट भी दाखिल कर दिया गया है, वारंट भी दाखिल करने के बाद ये तारीख कब है, किस तारीख को कोर्ट में पेश करना है अतीक अहमद को, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किस तारीख का वारंट भी साबरमती जेल को दिया गया है। अगर उसमें तारीख मेंशन है तो जाहिर सी बात है कि उस तारीख में अतीक अहमद को कोर्ट के सामने पेश करना होगा। वो भले ही अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ला करके पेश किया जाए और या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरोपी को पेश करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, ये अभी कोर्ट के ऊपर। यानी संतोष, अभी की जो स्थिति दिख रही है वो क्लियरली साफ तौर पर ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि प्रयागराज से जो यूपी पुलिस की टीम है वो वहां पहुंची, प्रयागराज उसको लेकर जाना है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अतीक को लाया जाएगा प्रयागराज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी हो जाएगी, इस पर अभी संशय है। बस क्लियर ये है कि टीम वहां पर पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि प्रयागराज पुलिस वहां पहुंची है, वारंट दिया गया है, क्योंकि पहले एक बार संशय हो चुका है, अशरफ को भी वारंट भी दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हो पाया था। इसी टेक्निकलिटी की वजह से अतीक अहमद के लिए भी कि अगर उस वारंट भी में तारीख है और कोर्ट उसको मानता है कि हाँ इसको फिजिकली पेश किया जाए तभी उसको पेश किया जाएगा, अगर उसमें तारीख नहीं है और कोर्ट भी मान लेता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। लेकिन अभी अतीक के वकीलों के पास एक रास्ता कि वो अगर सक्षम न्यायालय से इस बात का आदेश ले आते हैं कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज तक की लंबी कवायद न लाना पड़े, क्योंकि सिर्फ कोर्ट ही इसमें तय करेगा, ये अभी गेंद कोर्ट के ताले पर है, कोर्ट तय करेगा कि वो फिजिकली वहां पर पेश होगा या फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट उसकी पेशी को मान लेगी, ये अभी प्रयागराज कोर्ट को ही तय करना होगा। लेकिन वारंट भी जो बताया गया था उमेश पाल हत्याकांड में, उसके अनुसार अब अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी है, अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बनाया गया है, इस बात का एक आधिकारिक आदेश साबरमती जेल को और अतीक अहमद को दे दिया गया है। इसके अलावा संतोष, पिछली बार भी
अतीक ने कहा था कि उसके लिए ये जेल सुरक्षित नहीं है, तमाम अन्य उसने कयास लगाए थे कि उसे यहां मार डाला जाएगा, बार बार उसने इस बारे में बयान भी बदले थे। इस बार भी जब पूरा ये प्रोसेस होगा तो हो सकता है कि अतीक की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स और आए। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, उसकी तरफ से शुरू से ही कहा जा रहा है कि वो यूपी नहीं आना चाहता, यूपी की जेलों में नहीं रहना चाहता, उसकी जान को खतरा है। और चूंकि ये अतीक अहमद की जेल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बदली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ही यूपी से बाहर रखने को बोला गया है, तो लिहाजा अब ये सुप्रीम कोर्ट में ही ये तैयारी चल रही है। कुछ दिन पहले ये आया था, खबर भी मिली थी कि यूपी पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालने की तैयारी में है ताकि अतीक अहमद को यूपी लाया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जेल बदली है, अब सुप्रीम कोर्ट ही उसकी जेल बदलने का आदेश दे सकता है। वरना उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा होने के बाद जब उसको सजा हो गई तो उसको नैनी जेल से कोर्ट में तो पेश किया गया, लेकिन जब उसको उम्र कैद हो गई तो नैनी जेल में दाखिल किया गया, उसको सीधे वहां से साबरमती जेल भेज दिया गया। यानी कि साबरमती जेल में ही रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश नहीं दे देगा।